सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। स्वागत है दोस्तों तत्काल मीडिया में। एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी जिस प्रकार से पूरे देश में छाते जा रहे हैं, इससे मोदी मैजिक के लिए खतरे की घंटी बज गई है और अब लगने लगा है मोदी जी के जादू और जादुई भाषण से जनता उबने लगी है। इधर मोदी जी दिन रात वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं चुनावी प्रचार कर रहे हैं और भाषण में कांग्रेस पर बरस रहे हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। खैर इधर मोदी जी अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उधर राहुल गांधी का अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। पिछले सालों से खासकर जब से सांसद पद की सदस्यता छीनी गई है, कभी बस में चढ़ जाते हैं तो कभी ट्रक में, कभी कॉलेज कैंपस में चले जाते हैं तो अभी सुबह सोनीपत के मदीना गांव में किसानों से मिलने पहुंच गए, धान की बुआई की और किसानों की समस्या भी समझी। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये इंसान राहुल गांधी बिना सांसद रहते हुए भी बीजेपी के नाक में दम करके रखा है। फिलहाल तो एक कॉमन मैन है तो इतना डर सोचो अगर। खैर राहुल गांधी के धान के खेत में जाने का फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को सांसद से कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई तो करवा सकते हो, लेकिन इस देश के खेत खलिहानों से किसान मजदूर युवाओं के दिल से कैसे निकालोगे। तो वहीं कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी की धान रोपाई वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी ने आपके धान बोना शुरू कर दिया है भाजपा वालों। इस तरह के सैकड़ों ट्वीट आ रहे हैं, राहुल गांधी के इस तरह खेतों में धान बोना आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।